डीएवी कॉलेज कानपुर के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में प्रमुख रूप से यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में कानपुर नगर के लोकसभा सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सतीश महाना जी, कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी तथा अन्य अधिकारीगण, प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी, शिक्षकगण, छात्रगण एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थीगण, देवियों और सज्जनों, कुछ ही दिन पहले पुलवामा में हुई एक दर्दनाक आतंकी घटना में हमारे देश के बहादुर जवानों की शहादत से पूरा देश आज गहरी पीड़ा में है। उत्तर प्रदेश और कानपुर भी इस दुख में सहभागी है। इस हमले में अपना पड़ोसी जिला कानपुर देहात, वहाँ के श्री श्याम बाबू भी शहीद हुए। मेरी संवेदनाएं इन सभी शहीद जवानों के परिवारों के साथ है और मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उनकी शहादत को नमन करता हूँ। देवियों और सज्जनों, 19वीं सदी के दौरान भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती की अग्रणी भूमिका रही। समाज सुधार का कृष्णवंतो विश्वम आर्यम का संकल्प लेकर उन्होंने 1874 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज यानी कि आचरण से और विचार से श्रेष्ठ जनों का समाज। उनका मानना था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार ही किसी समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का सशक्त माध्यम है। इसलिए उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए वेदों के ज्ञान को व्यवहारिक बनाया। वे आंतरिक सच्चरित्र, मानसिक विकास और वैज्ञानिक चिंतन के सदैव हिमायती रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों का समाज बनाने के लिए लगभग 131 वर्ष पहले लाला हंसराज ने लाहौर में प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की नींव रखी थी। उसके बाद देश भर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना होने लगी और उसी क्रम में वर्ष 1919 में यह कॉलेज स्थापित किया गया। अब इस कॉलेज की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस गौरवशाली अवसर पर आयोजित शताब्दी वर्ष कार्यक्रम अनांतर में शामिल होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं कॉलेज की प्रबंध समिति को, वर्तमान और पूर्व शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को तथा अन्य कार्मिकों और अभिभावकों को बधाई देता हूँ। डीएवी कॉलेज की शिक्षा पद्धति में विरासत और आधुनिकता का, अंग्रेजी और हिंदी का, भारतीय ज्ञान परंपरा का और पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर सामंजस्य और संयोग है। इस पद्धति ने देश भर में अनेक पीढ़ियों को ज्ञान का प्रकाश दिया, उनके विचारों और संकल्पों को नई दिशा दी। इसी शिक्षा पद्धति ने यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से अलंकृत स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा देश को प्रखर व्यक्तित्व दिया। वे इसी कॉलेज में पढ़े थे। उनके परिवार में शिक्षा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अटल जी के पिता भी उनके सहपाठी रहे। कुछ दिन पहले संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं उनकी पावन स्मृति को
आज श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। इस कॉलेज के ख्याति प्राप्त पूर्व शिक्षकों एवं पूर्व विद्यार्थियों की सूची बहुत लंबी भी है और प्रभावशाली है। उनमें से कुछ महानुभावों के नामों से ही पूरी परंपरा की झलक मिल जाती है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा सोम उन्हीं में से एक थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शालिग्राम सुख और शिव वर्मा जैसे स्वाधीनता सेनानियों को इस कॉलेज के शिक्षकों का भी सहयोग मिलता रहा। सुरेंद्रनाथ पांडे, ब्रह्मदत्त मिश्र और महावीर सिंह जैसे पूर्व विद्यार्थियों का नाम स्वाधीनता सेनानियों में आदर से लिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर आत्माराम, साहित्य के क्षेत्र में गोपाल दास नीरज और सैन्य क्षेत्र में आरसी वाजपेयी ने डीएवी कॉलेज कानपुर का नाम रोशन किया। ऐसे गौरवशाली इतिहास वाले इस कॉलेज से मुझे भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। मैंने यहाँ से बीकॉम और दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ से एलएलबी की शिक्षा वर्ष 1965 से 1969 तक पूरी की। मेरे समय में विधि की पढ़ाई भी इसी परिसर में होती थी। बहुत अच्छा समय था वो, लेकिन बहुत जल्दी बीत गया। मुझे आज भी कुछ स्मृतियाँ ताज़ा हैं। उन दिनों हॉस्टल का वातावरण अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही शांत और सौम्य होता था। मैं भी इसी हॉस्टल में 4 वर्षों तक रहा। कॉलेज के परिसर के नज़दीक ही एक क्रिकेट ग्राउंड भी है जो प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम है। परीक्षा के दिनों में हम कुछ छात्र गण ग्रीन पार्क स्टेडियम का उपयोग करते थे, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बल्कि एकांत अध्ययन के लिए। देवी और सज्जनों, किसी भी संस्था के लिए 100 वर्ष पूरे करना उपलब्धि एवं गौरव का अवसर होता है, लेकिन इसके साथ ही यह अवसर पीछे मुड़कर देखने और भविष्य की रूपरेखा तय करने का भी होता है। डीएवी कॉलेज के संस्थापकों श्री आनंद स्वरूप, श्री विजेंद्र स्वरूप और डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप की विरासत को संभाल रहे डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप ने संस्था का योग्य मार्गदर्शन किया है। हमारे पवित्र ग्रंथों में सताय होना अर्थात 100 वर्ष पूरे करना पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद फिर से एक नई पारी की, नए जीवन की शुरुआत होती है। मुझे विश्वास है कि कॉलेज का यह नवजीवन नए संकल्पों को पूरा करने वाला तथा नई ऊंचाइयों को छूने वाला साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। आप लोगों को नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसी स्थिति में अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उनका सदुपयोग करते हुए प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है। विद्यार्थियों ने हर समय में, हर युग में देश और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझा और स्वीकारा है। तेजी से बदलते अनेक प्रकार के दबावों वाले इस समय में भी आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य रखना होगा, समाज के साथ सामंजस्य रखना होगा, क्योंकि सामंजस्य के बल पर ही हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। भारतीय मूल्यों और आधुनिक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के समन्वय से पूरी मानवता का कल्याण संभव है। आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके शिक्षा दर्शन के आधार पर 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति का मूल है ज्ञान, और आज की अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों ने दुनिया भर में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपके लिए भी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। आपको एकाग्र चित्त होकर अपने हित के लिए, अपने परिजनों के लिए
और सबसे बढ़कर राष्ट्रहित के लिए इन संभावनाओं का उपयोग करना है। मैं एक बार फिर से डीएवी कॉलेज कानपुर की प्रबंध समिति को, यहाँ के शिक्षकों, प्रशासकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई देता हूँ और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में यही शुभकामना देता हूँ कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।